सब्सक्राइब कीजिए व्हाट्सएप बॉलीवुड को और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। एक लंबे समय से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। ये दोनों जहां जाते हैं साथ ही जाते हैं। इनकी क्लोजनेस की वजह से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ये दोनों इसी अक्टूबर में शादी करने वाले हैं, क्योंकि निक जोनास ने प्रियंका को उनके बर्थडे के दिन प्रपोज किया था। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा अपने एलिस्ट बॉयफ्रेंड निक जोनास को सपोर्ट करने सिंगापुर उनके कॉन्सर्ट में पहुंची। ये दोनों ही साथ साथ वहां नजर आए। लेकिन यहाँ हमने एक ऐसी बात नोट की जो आपको भी हैरान कर देगी। प्रियंका तो इंटरनेशनल स्टार है ही, लेकिन निक जोनास भी एक काफी पॉपुलर अमेरिकन सिंगर है। लेकिन यहाँ जब निक और प्रियंका दोनों ही साथ पहुँचे तो मीडिया ने निक जोनास की जगह प्रियंका को सारा अटेंशन दिया। जब तक प्रियंका मीडिया की नजरों से ओझल नहीं हो गई, तब तक वो उनका नाम पुकार ही रहे थे। और जैसे ही प्रियंका वहां से चली गई, तब मीडिया वालों को निक जोनास नजर आए और उन्होंने फिर निक जोनास का नाम लेना शुरू किया। इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी प्रियंका को कितना ज्यादा अटेंशन मिलता है। देखना दिलचस्प होगा कहीं इस वजह से निक और प्रियंका के बीच कोई दरार ना आ जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।